Hey, what's up? And today is the day of Nikon 1.8G prime lens. Now let's get started. मैंने अपने फोटोग्राफी करियर में बहुत बार सुना है कि मेरे पास नाइकॉन का ये कैमरा है, मेरे पास बहुत ही स्मॉल बजट है, मुझे कौन सा लेंस लेना चाहिए, कौन सा लेंस सबसे अच्छा है। तो 50mm 1.8G लेंस, ये आपको सबसे सस्ता 10,000 के अंदर आपको ये लेंस मिल जाता है और बहुत ही अच्छा लेंस है। अगर आपके पास बहुत सारे लेंसेज हैं तो भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस लेंस को अपने बैग में ज़रूर रखें। ओके, तो अगर बात करें इसके फीचर्स की तो आपको फीचर्स में मिल जाता है 1.8 का वाइड एपर्चर। ज़्यादा वाइड एपर्चर खुलता है तो ज़्यादा लाइट अंदर आएगी, और ज़्यादा लाइट अंदर आएगी तो आप अपने शटर को कर सकते हैं फास्ट, और फास्ट शटर होने के कारण आप शूट कर सकते हैं। ज़्यादा लाइट इसमें अंदर आती है तो आप इनडोर शूट्स कर सकते हैं, रात नाइट शूट्स, वेडिंग शूट्स कर सकते हैं आप इससे। तो आई विल रिकमेंड यू टू बाय दिस लेंस। सो 50mm लेंस 7 ब्लेड्स के साथ आता है, जो कि एक प्रो फोटोग्राफर के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि 7 ब्लेड्स में आप अगर अपने बोका बैकग्राउंड को देखें तो वो बिल्कुल सर्कुलर दिखाई देंगे, तो इसीलिए प्रो फोटोग्राफर प्राइम लेंसेज यूज़ करते हैं, और प्राइम लेंसेज इसीलिए थोड़े महंगे भी होते हैं। और एक चीज़ और, अगर आप ये लेंस खरीद रहे हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये आपके क्रॉप सेंसर्स, जो कि बिगिनर कैमराज होते हैं, उनमें 50mm का काम नहीं करेगा, उनमें ये काम करेगा 75mm का, क्योंकि क्रॉप लेंसेज सेंसर 1.5 क्रॉप्ड होते हैं। 1.5 के साथ अगर आप किसी फुल फ्रेम में यूज़ करें तो ही ये आपका 50mm होगा, अदरवाइज ये काम करेगा 75mm लेंस के साथ। सो दैट्स व्हाट फॉर मी टुडे गाइस, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए इसे, और डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।